रहे हैं और ओटवार जेल के बाहर से चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज कोर्ट के बाहर की जो रिपोर्ट आपकी वो हमने देखी, किस तरीके की गतिविधियां फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या पुलिसकर्मी जो है वो पहुंच रहे हैं और कितने बजे का आज समय दिया गया है जब लालू यादव को पहुंचना है सीबीआई के विशेष कोर्ट में। यहाँ पे जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिस बात का जिक्र किया था लालू यादव ने जज साहब के सामने कि ठंड बहुत लगती है जेल में, ये भी संभावना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव जुड़े। जी बिल्कुल, सबसे पहले गतिविधियों की बात करें तो गतिविधियां तेज हैं। सवेरे से यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि कोर्ट की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कर्मी जो है पूरे कोर्ट परिसर में फैल जाते हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव पहुंचने अभी तक बरकरार है, क्योंकि कल जैसा कि लालू यादव और जज की बात हुई थी तो जज साहब ने लालू यादव को यह ऑप्शन दिया था कि आपकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो सकती है। तो लालू यादव ने साफ कहा था कि उन्हें कोर्ट जब भी आदेश देगा वो कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे और कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इस बात को लेकर अभी संशय बरकरार है कि लालू यादव कोर्ट पहुंचेंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सजा के बिंदु पर। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि आज जैसे अल्फाबेटिकल वाइज सुनवाई होनी है, कल 5 लोगों की सुनवाई हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज वक्त लालू यादव का है। एल से अल्फाबेटिकल एल से आज फैसले पर सुनवाई होगी। तो लालू यादव का क्या नंबर सबसे पहले आता है, तो लालू यादव के मामले पर सुनवाई होगी, उसके बाद जितने भी बाकी दोषी बचे हैं उनके मामले पर सुनवाई होगी और फैसला क्या कुछ आता है ये कोर्ट की कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा। इस मामले पर लगातार हमारे सहयोगी चंदन भी बने हुए हैं, चंदन से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा, मदन बने हुए हैं, मदन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मदन, क्या कुछ चांसेस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर फिजिकली अपीयर होंगे लालू यादव? देखिए, कोर्ट के द्वारा कल लालू यादव को एक ऑप्शन दिया गया था, जो लालू यादव लगातार बोल रहे हैं कि सर वहाँ जेल में मुझे ठंड लगती है, आने में थोड़ा मैं अस्वस्थ रहता हूँ। तो कोर्ट के द्वारा ये एक ऑप्शन उनको दिया गया था जो कि आप अगर नहीं आना चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही वहाँ से आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो लालू यादव ने कहा नहीं सर, जब आप मुझे बुलाए मैं हाजिर हूँ। तो लालू यादव यहाँ आना चाहते हैं, उनके जो समर्थक यहाँ हजारों की संख्या में जो पहुंचते हैं, तो लालू ये समझते हैं जो मेरा कोर्ट जाना हमारी मजबूती बढ़ाती है, शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए वो इस चीज को मिस करना नहीं चाहते हैं, फैसला जो भी हो। लेकिन लालू यादव इस मौके पर भी अपना एक टीआरपी जो कहते हैं वो कम नहीं होना देना चाहते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर कोर्ट पर ही निगाहें हैं कि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है इस मामले पर। लेकिन के फिजिकली प्रेजेंट होने पर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होने पर संशय बरकरार है। बिल्कुल कामरान, तो आज की ये दिलचस्प जानकारी है कि लालू यादव कोर्ट में मौजूद होंगे। ऑप्शन जज साहब की ओर से दिया गया था कि आप चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके बाद ही सजा का ऐलान होगा, इसकी भी संभावना दिख रही है। लगातार सीबीआई झारखंड इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आपको देगा। अब हम चंदन का रुख करते हैं जो कि होटवार जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, पिछले दो दिन हम